गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। येस्टरडे वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सपोज आपने कोई मनी जो है वो किसी से बोरो किया है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर या उस मनी पर जो आप एक साल के लिए जो आप इंटरेस्ट दोगे राइट, तो आपके लिए वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। इसका मतलब जो इंटरेस्ट आपने एक साल के लिए दिया है या एक साल के लिए आप दे रहे हो उसके भी आपका इंटरेस्ट लगा राइट। दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट राइट। वो मे भी हो सकता है एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। बट उससे पहले फॉर्मूले से जाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज आपको बताना चाहूँगा राइट, कि SI और CI में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका पर ईयर, या अगर रेट आपकी एनुअली है तो हर साल या हर ईयर जो आपका अमाउंट होगा इंटरेस्ट का वो सेम रहेगा राइट। बट जो CI में हर साल जो अमाउंट जो है सेम नहीं रहेगा, बिकॉज जो वी हैव अप्लाइड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट राइट। तो ये आपको सिंपल एक पॉइंट जो है वो आपको याद करना है या आपको ध्यान रखना है, तो बाकी जो क्वेश्चन है आपके इजी हो जाते हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें, अपन पहले फॉर्मूले पर नहीं जा रहे हैं, पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ठीक है, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक पे आऊँगा ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 और 10% आपको रेट दे रखी है और 3 साल के लिए आपको CI निकालना है राइट। तो पहले सपोज मैं फर्स्ट ईयर के लिए CI निकालता हूँ राइट, तो फर्स्ट ईयर के लिए सेम आपके पास क्या आएगा 10,000, आपके पास 10% रेट है और 3 साल के लिए आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 × 10,000 × 1 साल का निकालना है, पहले फर्स्ट ईयर निकाल रहे तो 1 साल का निकालते हो, कितना आ जाएगा 1,000। ये 1,000 कौन सा इंटरेस्ट आया फॉर फर्स्ट ईयर राइट। दैट मीन्स टोटल अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 11,000। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो 11,000 जाएगा एज ए प्रिंसिपल राइट। तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए मैं अमाउंट निकालता हूँ तो 11,000 × 10/100 × 1, 1 साल के लिए निकाल रहे अपन, इसका इंटरेस्ट आएगा 1,100 राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस 1,100 में 11,000 एड कर दूंगा राइट। तो 11,000 मैंने एड कर दिया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12,100 राइट। अब मैं थर्ड ईयर के लिए अगर निकाल रहा हूँ तो 12,000 इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो फॉर थर्ड ईयर 12,100 × 10/100 × 1 राइट, ये आ जाएगा आपके पास 1,210 राइट। अब यहाँ पर इसमें अगर आप ऐड करोगे 12,100 में 1,210 तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 0,1,213,313,310 राइट। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होता है बेसिक मेथड राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये 1,000 जो इंटरेस्ट दिया था राइट, उसका कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसमें यहाँ पर ऐड हो गया, तो इंटरेस्ट पे आपने क्या लगा रहा, इंटरेस्ट लगा रहा। तो 1,000 का जो इंटरेस्ट है 10%, इसका मतलब ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, या फिर 1,000 रुपये आ रहा है, या 1,100 आ रहा है, या फिर 1,210 आ रहा है राइट। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर बाई ईयर। तो यहाँ पर CI के अंदर ऑलवेज जो इंटरेस्ट होगा, ऑलवेज इंटरेस्ट होगा वो सेम नहीं रहेगा ठीक है, वो सेम नहीं रहेगा एवरी ईयर ठीक है। ये आपको कुछ क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर यूज में आएगा ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया। अब अपन चलते हैं कि फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड फॉर द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 × इसको अपन टी मान लेते हैं, या फिर टी दे रखा टाइम, तो इसको टी मान लेते हैं, टी से नोट करते हैं इसको। तो 1 + R/100 to the power of t माइनस टी, टी इज द प्रिंसिपल, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टाइम
एंड अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसके अंदर ये वाला जो अमाउंट आपको दिख रहा है इसी द टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला अगर आप टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं तो टोटल अमाउंट फॉर्मूला फॉर द टोटल अमाउंट इज पी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये अपन बहुत कम यूज में लेंगे बट फिर भी आपको ये याद करना है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सपोज नहीं हो रहा हो बहुत एक्सेस मिली तब अपन यूज में लेंगे, बाकी मोर देन 99% क्वेश्चन में अपन फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही कॉन्सेप्ट आपको यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एक बार के लिए याद करना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मैं पहले फॉर्मूले में बताऊंगा पहला क्वेश्चन, बाकी उसके बाद में हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अपन इसकी अगर बात करें तो आपको दे रखा है कि 10,500 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड टाइम इज 2 ईयर। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस बी। तो सपोज फर्स्ट वी विल फाइंड टोटल अमाउंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल अमाउंट इज बी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टी, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,500 वन प्लस 20 डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टी इंस टू, दैट इज 10,500 इंटू 120 डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू 120 डिवाइड बाई, ठीक है। इसको आपको सोल्व करोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, राइट। अभी जो जो कैलकुलेशन है आपकी, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को 105 से 120 मल्टीप्लाई करोगे, इसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कैलकुलेशन है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आपको कम टाइम में करना है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो आपको यूज में नहीं लेना है, आपको कौन सा मेथड यूज में लेना है वो मैं आपको बताऊँ। अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना और ध्यान से आप नोट कर लेना इसको, तो मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज इसका 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो एक टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो आपको याद करना है, ठीक है। सपोज मान लो आपको सी आई निकालना है कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए, सपोज दिस इज द टाइम और दिस इज द डेट। अगर आपको अगर आपको 2 साल के निकालना है सपोज 2 ईयर, तो आपको 2 साल के लिए सपोज आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको डेटा लिखना है, 2 टर्म्स आएंगे 2 और 1। इसका यूज कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। 3 साल के लिए निकालना है तो उसके लिए कौन होता है 3,3,1, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। सी आई निकालना है 4 साल के लिए निकालना है तो उसके लिए 4 टर्म्स आएंगे 4,6,4। 5 साल के लिए निकालना है तो 5, 10, 5, 5, 10. अब देखो इसका यूज कैसे करना वो बता दूं। आपके पास यह प्रिंसिपल कितना है 10,500, तो पहले आप इसका हर ईयर का आप क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। 20% इसकी रेट है, तो 20% रेट, तो 1 साल का जो है इंटरेस्ट कितना होगा 20% 1/5, इसको 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 21 है। वापिस इसका 20% इंटरेस्ट निकाल लो, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 420। आपको क्या करना है इसकी रेट निकालना। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 10,500 है, रेट आपको 20% दे रखी है, मीन्स 1/5, इसका 1/5 किया 2100, और फिर उसकी रेट आपकी वापस 20% है, ये 2 साल के लिए है, तो 1/5 वापस किया तो 5 से डिवाइड करोगे तो 420। 2 साल के लिए है तो आपको 2 बार ही रिपीट करना, राइट। अब यहाँ पर 2 साल के लिए जो दिस आर द डेटा और द मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना है 2 और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, 2 और 1 और इन दोनों को ऐड कर देना, तो 4200 प्लस 420 आपका आंसर आ जाएगा 462। ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितना इंटरेस्ट रेट दे रखी है उसका परसेंटेज निकालना है 1/1 कंटिन्यूस में, और ये जो नंबर ऑफ टाइम्स आप निकालोगे डेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, अगर इफ द नंबर ऑफ ईयर्स आर 2 देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द 2 स्टेप, राइट। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स आर 3 देन
this particular step is done three times, right? So depending upon the years, you can calculate the percentage one by one, right? अब यहाँ पर जैसे मैंने किया कि इसका परसेंटेज निकाला, इसका परसेंटेज निकाला, और यहाँ इस पर्टिकुलर टेबल से टू और वन से मल्टीप्लाई करके एड कर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, थ्री आ गया डायरेक्टली, राइट। इसी तरीके से सपोज आपको थ्री ईयर गिवन है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे थ्री थ्री वन, ठीक है, तीन टर्म्स आएंगी और तीन टर्म्स को आपको थ्री थ्री वन से मल्टीप्लाई करना है। फोर को फोर यहाँ पर लेना है तो फोर सिक्स फोर वन से मल्टीप्लाई करना है, फाइव से लेना है तो फाइव टेन टेन फाइव से मल्टीप्लाई करना है। या तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, तो आपके अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके माइंड में रहेगा, या फिर इसको नोट डाउन करो एक पेज, या तो एक पेज पर नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट करो, फटाफट नोट डाउन कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो इस पर वो डिपेंड करेगा। अब देखो वो तो फॉर्मूला तो आपका फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड देखो, देखो सिंपल सी बात आपको है, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या करा था, आर टी परसेंटेज निकाल, सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज निकाल दिया था डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगा था, राइट राइट, टोटल परसेंटेज निकाल दिया, टोटल परसेंटेज निकाल के राइट आपका ऐसा ही आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर अपन आर टी परसेंटेज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चल रहा। अब यहाँ पे टोटल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला दो। अगर आपके पास दो साल के लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है फॉर टू ईयर, और आपके पास टाइम जो है टू ईयर है, तो उसमें डायरेक्टली आप सी आई परसेंटेज निकाल सकते हो डायरेक्टली, जैसे एस आई परसेंटेज निकालते हो वैसे सी आई परसेंटेज निकाल सकते हो, एंड द रेट आर ए एंड बी। सपोज मान लो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट रेट है, सेम रेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिफरेंट रेट है तो उसके लिए फॉर्मूला है। सपोज मान लो पहले साल के लिए ए रेट है, दूसरे साल के लिए बी रेट है, तो ए प्लस बी ए बी बाई हंड्रेड, ये मैंने आपको डिस्काउंट पे बताया था, डिस्काउंट परसेंटेज पर निकालते हैं, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, ए प्लस बी ए बी बाई हंड्रेड। तो यहाँ पर 20-20 दो बार है और सेम रेट पे, तो 20 + 20 + 20 × 20 = 100, तो कितना आ गया 44%। तो आप डायरेक्टली क्या करना है, जो 10,500 इसका डायरेक्टली 44% आप निकाल, ये आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। तो डायरेक्टली आप सी आई परसेंटेज भी यहाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू टी इक्वल टू टू ईयर, ठीक। और आपके पास दो साल से अलावा अगर आपके पास तीन थ्री ईयर्स है फोर ईयर्स है, तब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू ईयर्स, राइट। एनी डाउट, guys please respond in chat box, in next question if the principal amount is 21600, rate of interest is 16.3%। अब आपको जैसे 16/23/3% आपको जैसे ही आता है वैसे आपको माइंड में लेना है 1/6, जैसे 16/2/3 आएगा जैसे दैट इज 1/6 और t इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द ca। फॉर्मूले से तो आप निकाल सकते हो, वो तो अपन आगे यूज में नहीं लेने वाले, ठीक है, अपन फर्स्ट मेथड पे चलते हैं, ठीक है, दैट इज 21600 है, इसका 16/2/3% परसेंटेज नहीं लिख रहे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये 1/6, 1/6 करोगे कितना आएगा 3600, फिर वापस 1/6 600, देन वापस अगेन 1/6, देन 100, ठीक। क्योंकि मेरे पास थ्री ईयर्स है तो मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स लिए वो थ्री टाइम्स लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अब यहाँ पे थ्री ईयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कितनी मल्टीप्लाई क्या क्या है, इंटू थ्री थ्री एंड वन, तो यहाँ पर आएगा 10800 प्लस 1800 और प्लस 100, तो 1900 800 कितना आ जाएगा 27, तो 17 डबल 7 डबल, ठीक है, इसी का, ठीक है।
अब देखो, अगर आप फॉर्मूले से करते तो आपके पास 16 2 by 3 परसेंटेज 20, ठीक है, तो 50 by 2 50 by 3 आता, फिर उसको आप सोल्व करते, 3 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर जो प्रिंसिपल जो अमाउंट जो है, ठीक है, वो उसमें से आप माइनस करते, राइट, उसमें से माइनस करते तब जाके आपका आंसर आता है, ठीक है, तो देट इज द बिगेस्ट स्टेप, आपको डायरेक्टली ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। इसमें मैं ए प्लस बी इंटू ए बी वाला ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 years, ठीक, दैट्स व्हाई आई यूज ओनली फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? वेरी गुड। ये वाला आप फाइंड करिए, ये वाला क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट आपको 20,000 दे रखा है, रेट आपको 5% दे रखी है, टाइम इक्वल टू 3 ईयर, एंड फाइंड द सीआई। फाइव परसेंट का मतलब क्या है? 1 by 20, आपको 1 by 20 करना है। एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। वन जीरो फाइव टू पॉइंट फाइव एक आंसर आया, 1052.5 एक का ही आंसर आया, बाकी का नहीं आया। अरुण 3152.5। अनिल कुमार 3152। ऑल आंसर आर डिफरेंट, तीनों का डिफरेंट आंसर है। अभी तो जस्ट बताया मैंने आपको, आपको मतलब 3% और 3 डिफरेंट आंसर। इक्वल्स इन 3152.5। देखो सिंपल सा आपको ये करना है कि 20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% है मतलब 1 by 20 करना है आपको, 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1,000। वापस 1 by 20 करना है कितना आएगा? 50। और वापस 20 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो 3,000, 3,050, 3,052.5 इतना से करना है, टोटल इनकम प्लस कर देना। सॉरी, वन आएगा 3152। अरुण का और विपुल का सही है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको टेबल आपको याद करनी है, तो बताइए वो सिंपल टेबल है, तो इजीली आप 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए इजीली आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ पी इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000
रेट इज 5-4%। अब ये हाफ ईयरली रेट दे रखे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज आपके पास दिस इज द रेट एंड दिस इज द टाइम। अगर आपके पास एनुअली रेट होती है, एनुअली, ठीक है, तो आपको एनुअली में जो रेट आपको दे रखी है वही आपको रेट आपको लिखते हैं, ठीक है, आर एम। बट अगर आप रेट अगर हाफ ईयरली कर लो, रेट हाफ ईयरली का मतलब हाफ 6 महीने के बाद में वो पैसा जमा करा रहा है और 6 महीने के बाद में वापस उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब आप 1 साल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा, 6 महीने में जमा कराने के बाद में इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर जो इंटरेस्ट लगा है उस पर वापस इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो रेट होती है वो ऑलवेज हाफ हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, राइट, टाइम इज डबल। और अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो रेट कितनी जाएगी, क्वार्टरली नॉर्मली नहीं पूछते, ये हाफ ईयरली पूछते हैं नॉर्मली, तो क्वार्टरली आर बाई फोर हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, फोर, राइट। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि रेट कम हो जाती है और टाइम जो है डबल हो जाता है, राइट। तो हाफ ईयरली के अंदर रेट, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 1/2, जो रेट हाफ हो रही है, हाफ ईयरली में रेट हाफ हो रही है, राइट, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट डबल। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर हाफ ईयरली दे रखा है, राइट, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, जो रेट आपकी 4% है तो कितनी हो जाएगी, 2%, जो टाइम है 2 ईयर तो कितना हो जाएगा, 4, और फिर आप इस क्वेश्चन को एनुअली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेम काम करना है, 10,000 अमाउंट है, 4%, 4% नहीं है, 2% है, 2% का मतलब कितना है, 1/50, 1/50 करो, यहाँ पर कितना आएगा, 200, वापस 1/50, 824.23, देखते हैं, ठीक है, 1/50 करो कितना आएगा, 4, अभी थोड़ा पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, 4 को 1/50 करो, 0.08, ठीक है, अगेन 1/50 करोगे तो 16 आएगा, ठीक है, और दो पॉइंट्स हो रहेंगे तो 0.01। अब आपको यहाँ पर देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करने मैंने बताया था 4641, नॉर्मली एग्जाम के अंदर 3 ईयर तक आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बट यहाँ पर आपको 4 साल के लिए याद करना है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए ना करो, बट 4 साल के लिए, तो 4 ईयर्स के लिए केवल याद करना है। तो ये कितना आएगा, 824.32 प्लस 0.00 कितना आ जाएगा, 824.32, 824.32, ठीक है, आपको 0.1326 भी आएगा, क्योंकि आपको 4 साल तक करना है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 ईयर्स तक है, तो आपको एक स्टेप और करना है, ठीक, एनी डाउट। Any doubt? Next question. How much amount will become 1,352 rupees in 2 years at the compound interest rate with 4% per annum? अब इस क्वेश्चन में आपको, अब जो मैंने SI के क्वेश्चन कराए थे उस तरह का क्वेश्चन आने लगता है, ठीक है, 1,352 अमाउंट जो है वो अपन कितना अमाउंट जो है, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, ये कितना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1,352 हो जाएगा 2 साल में, अगर मैं 4% पर एनम की रेट से उसको अमाउंट देता हूँ, ठीक है, तो इट इज आस्किंग अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला में क्या होगा, पी इंटू 1 + R/100, इट इज 104/100 फॉर 2 ईयर्स, मीन्स मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम्स एंड इक्वल टू 1,352, राइट। तो इससे आप कैंसिल आउट करके आप यहाँ से P निकाल सकते, ये तो आपको फॉर्मूला तो आपको मोस्ट अप्लाई नहीं करना है, अपन सेकेंड मेथड वाले मेथड पे चलते हैं, ये वाला मेथड आप कर सकते हो, इससे मतलब मेथड, अब सेकेंड मेथड आप ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है
सपोज इसको मान लेते हैं 100, ओके सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज 100, कितने परसेंट रेट से दे रहा है, 4% रेट से दे रहा है, अपन एक साल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 25, 26, ठीक है, ये कितना है फर्स्ट ईयर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के लिए टीआई और एसआई सेम होता है, ये फर्स्ट ईयर के लिए तो अपन इंटरेस्ट रेट अनुमानित लगा रहे हैं, तो टीआई और एसआई सेम ही रहेगा ना, टीआई एसआई में ना कुछ चेंज होगा क्योंकि अपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो अपन एसआई निकालो चाहे टीआई निकालो एक ही बार। अब सेकेंड ईयर के लिए अपन जाते हैं तो करना क्या है आपको कि जो ये आपको रेशियो दे रखा है उसका जस्ट एक्सपायर करना टू ईयर्स के लिए, तो मैंने जस्ट एक्सपायर किया, ठीक, कितना आया 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर, 25 स्क्वायर आप जानते हो 625 और ये आप जानते हो ऑलरेडी 67, ये पता होना चाहिए आपको स्क्वायर, एटलीस्ट आपको 35 या 40 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 35 या 40 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए और क्यूब जो है एटलीस्ट आपको 20 तक पता होना चाहिए, तो ये अमाउंट आपके पास आ गया। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो है टोटल अमाउंट कितना है 1352, ठीक है, टोटल अमाउंट ये वाला है, इसका मतलब 676 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1352, आपको पूछा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 625 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक, ये वैल्यू पूछी है, इसको आप कैंसिल आउट करो तो एक यूनिट की वैल्यू 2 होगी, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 125, आंसर क्या होगा सुनील वेरी, ठीक है। अब देखो इसमें वापस मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट सपोज मैंने मान लिया कि 100 है, मैंने 100 मान लिया और इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, रेट कितनी है 4%, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 4, 104, इसको कैंसिल आउट कर दिया 25, 26, ये किसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर सी आई एस आई सेम होता है। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, जैसे 25 को स्क्वायर कर दिया, 30 तीन ईयर के लिए निकाला तो आप क्या कर सकते हो क्यूब कर सकते हो, ठीक है, आपको क्या गिवन है टोटल अमाउंट गिवन मतलब मीन्स ए इज गिवन, तो ए इज इक्वल टू 676 यूनिट इक्वल टू 1352, तो 625 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 × 625, तो कितना हो जाएगा 125, इस तरीके से लिख रखते हो, एनी डाउट, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स द 2000 अमाउंट विल बिकम 2420 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10%, ठीक है, तो इट इज आस्किंग अबाउट द टाइम, 2000 रुपये मैंने लिए सपोज, उसको मैं 2420 रुपये लौटा रहा हूँ और एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अगर वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो कितने साल बाद में जो है जो उसको 2420 जो अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसमें अपन को क्या फाइंड करना है ईयर, तो फॉर्मूले से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हो बट अपन को फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेम काम करना आपको, अभी देखो उल्टा चलेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस वाले में प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, इसमें ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है तो ऑलरेडी आप लिख लो, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका एनुअल टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 2000 2420, कैंसिल आउट कर दो तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी और 2 से कैंसिल आउट होगे तो 100 120, इसको आपको क्या करना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट क्यूब बन रहा है तो क्यूब बनाओ, ठीक है, ये क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 10² और 11, ठीक, अब ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे बात बताने वाला हूँ जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वर्जन है, इतना तो आपको पता चल गया है कि इसमें आंसर 2 होगा, ठीक है, ओके, अब इसमें जो रेट आपको फाइंड करना है तो भैया बिल्कुल 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 इंडिकेट कर रहा है रेट इज द नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, और अगर 10 रुपये की चीज 10 रुपये का जो अमाउंट जो है उसकी मैं 11 रुपये ले रहा हूँ तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी 1/10
और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 है, 1/10 इंटू 100, तो इसका मतलब रेट कितनी होगी, 10% रेट होगी। और इसमें देखो दे भी रखा है 10%, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स आर 2। ये ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा, परफेक्ट फोर्थ पावर बनेगी, ठीक है, फोर्थ पावर तो नहीं जाएगी, क्यूब तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर इंडिकेट नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, दिस इंडिकेट प्रिंसिपल अमाउंट 100 एंड दिस पर्टिकुलर 1/10 इंटू 100 इज गिवन बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसको अपन आरओआई बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ओके। तो यहाँ से आपको इजीली दिख रहा है कि कितने कितना आंसर होगा, 2 आंसर। एनी डाउट, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इज 30,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4,347 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मीन इसे शॉर्ट में लिख दिया इसको, आर मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज 7%, फाइंड द टाइम। अब देखो आपको आपको एक एक तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, तो मैंने आपको बताया है, उससे आप फाइंड करो, ओके, फॉर्मूले से, ओके, बट आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको कैसे करना है। अब आपको क्या दे रखा है, पी और सी आई दे रखा है। देखो फर्स्ट में मैंने क्या करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पी और ए पी गिवन नहीं था, ए गिवन था यहाँ पे, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, आर गिवन था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन था, पी गिवन था और ए गिवन था, राइट। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, थोड़ा क्वेश्चन में पी गिवन है और एस आई गिवन, सॉरी सी आई गिवन, और क्या पूछ रहा, टाइम पे, तीनों टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। इसका मतलब जो आपको गिवन है वो आप लिख लो, पी गिवन है और आपको सी आई गिवन, पी कितना है 30,000 और सी आई कितना गिवन है 4,347। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, आएगा 10,000 यहाँ पे 11,449, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल रहा है कि 100 का स्क्वायर बन रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, अरे 114 आ रहा है, 107 प्लस 714, इसका मतलब 107 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायरिंग जो है क्यूबिक का जो भी एक चैप्टर होता है, मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको पता है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो, वरना टाइम मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। इसका 107 का आप स्क्वायर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो इतना तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर तो क्या होगा, 2। और यहाँ पे इजीली अब आपको मैच कराना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो 100 से कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 इसका जो कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, मतलब कि सी आई आपका कितना है 107, तो 7 आ गया। अब यहाँ पे 7 इंटरेस्ट रेट है और 100 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इंटू 10,000, इसका मतलब कितना परसेंट रेट होगी, 7%। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेट भी आप फाइंड कर सकते, बल्कि आपको डायरेक्टली आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट बन रहा है 7 रुपीज बन रहा है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, टाइम टू टू। ये वाला मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है, यहाँ पर आप इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम of money become 17640 in 2 years from 16,000. तो 16,000 रुपये का कितने रुपये ले रहे हैं, 17,640 रुपये। If compound annually, then find the rate of interest. ये वाला क्वेश्चन आपके लिए।
अश्विनी का आ रहा है 5%। वेरी गुड। ये आपको सेम काम करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और टोटल अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 16,000 और यहाँ पे 17,642। तो कैंसिल आउट यहाँ पे 1-0 कैंसिल आउट होगी राइट। और किससे कैंसिल कर सकते हो आप? 4 से कर सकते हो, तो 400 हो गया, ये 400 बन गया। आप कैंसिल आउट हो नहीं सकता, तो ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर। इतना तो पता चल गया आपको कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर। यहाँ पे देखो 2 ईयर्स ही दे रखा है, मतलब ये तो सही है, बट ये टाइम की बात नहीं कर रहा, टाइम तो ऑलरेडी दे रखा है। या पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रुपीज का अगर ये 21 रुपये ले रहा है तो कितने रुपये प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये। रेट निकालनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ध्यान रखना है, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, ये ईयर है, और 1/ ये कितने का इंटरेस्ट है? 1 रुपीज 20 पे, परसेंटेज कितना आ जाएगा? 1/20 मतलब 5%। वेरी गुड अश्विनी। तो आपको कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कोई भी एक क्वांटिटी आपको पूछेगा, आइदर प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 64/27 टाइम्स ऑफ इट्स, मतलब जितना रुपीज है उसका 64/27 टाइम्स क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट का कितना है? 64/27। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम टोटल अमाउंट किस पे है? प्रिंसिपल पे। इसका रेशियो कितना हो गया? 64/20। ये आपको रेशियो दे ऑफ इट सेल्फ, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इन 3 ईयर। आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर एंड फाइन फाइन रेट ऑफ आर ओ आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हो। ठीक है, तो सपोज ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, ये आपका हो गया 27। इसका रेशियो जो दे रखा है वो 64/27 दे रखा है, तो पी का रेशियो कितना है? 27, ये 64। अब देखो 23 ईयर है, इसका मतलब आपको इतना पता चल जाए क्यूब लिखना है, ये कितना हो जाएगा? 3 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक, नंबर ऑफ ईयर ये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 1/1। और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, ये आपका नंबर ऑफ ईयर है, और 1/3 × 100। तो 1/3 जैसे ही आप देखोगे तो इसका मतलब कितना परसेंटेज आएगा? 33%, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अमाउंट इज डबल, जैसे आपने एस आई का क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन, इफ एन अमाउंट इज डबल इन 15 ईयर, बट इस बार कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, मतलब 15 साल में जो अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, और तो कितने ईयर्स के अंदर अमाउंट जो है 8 टाइम्स हो रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना था। तो सिंपल सी बात है, अगर सपोज मान लो ये सिंगल था तो अमाउंट वो डबल हो रहा है 15 साल, ठीक है, इसका मतलब 4 टाइम्स कितने में हो जाएगा? गेन 50 ईयर। 8 टाइम्स कितने हो जाएगा? क्योंकि रेट तो वही लग रही है, रेट तो आपको दे नहीं रखी, तो अगर डबल हो रहा है 15 साल में तो 4 टाइम्स ये भी कितना हो रहा है? ये भी इसका डबल हो रहा है, अभी 15 साल लगेंगे, ये वापस डबल हो रहा है तो भी 15 साल लगेंगे, टोटल कितने साल लगेंगे? 15 + 15 + 15, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे? 45। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है, मैं जस्ट इसको वापिस वापिस डबल करके नंबर ऑफ ईयर्स, अब 1 से लेकर वापिस 8 टाइम्स होने में कितना लग रहा है? 15 + 15 = 15, 45 ईयर, राइट, ओके, ठीक है। और अगर इसमें अगर आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो एक फॉर्मूला भी कुछ बुक जो है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे फॉर्मूले से भी करते हैं कुछ लोग, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट की फॉर्मूला से कर सकते हो, n/n1/t1 = n2/t2। तो सिंपल डायरेक्ट की फॉर्मूला से कर सकते हो, n1 हियर n1 इज नंबर ऑफ टाइम n1,
given is the time period. यहाँ पे n1 कितना है, n1 is 2, okay? And t1 कितना है, 15 years, n2 कितना है, 8 times, और t2 आपको find करना है, यहाँ पे किस, sorry, इस तरीके से निकलना है, ये formula कैसे, मैं बताता हूँ apply कैसे करना है, n यहाँ पे number of times है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखें, 15, ये this is the year and this is the number of times, ठीक है, number of times कितना है, 2, तो आपको 2 की power लगानी है, 2 की power कितनी आएगी, 1, next ये पूछना चाह रहा है कि 8 times, तो 8 times का मतलब 2 की power कितना आएगा यहाँ पे, 3, 8 times है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की power, तो जो ये power आ रही है, this is the value of n, यहाँ पर इसकी value है n, ठीक है, अब formula आप लगा सकते हैं, n1 means 1 by 15 और n2 means 3 by 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14, ठीक, जो ये n की जो वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक, ये इसकी पावर की वैल्यू, जो पावर यहाँ पे 2 की पावर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको, तो आइदर यू कैन यूज फर्स्ट मेथड और सेकेंड, साक्षी 45, वेरी गुड, एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई, अब देखो दोनों दोनों के क्वेश्चन को मिस कर दिया, ये पूछ रहा है कि एस आई और सी आई के में डिफरेंस कितना होगा, इफ एन अमाउंट फॉर टू ईयर एट 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 रुपीज, मतलब एस आई और सी आई का जो सम जो है, यानी अमाउंट ऑफ एस आई एंड सी आई फॉर टू ईयर एट 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 रुपीज, राइट, तो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, ठीक है, आपको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, देन अमाउंट इन रुपीज, आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे, अमाउंट मतलब ये पूछना चाह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट इसने डायरेक्टली दिया नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछना चाह रहा है, अब यहाँ पे सी आई और एस आई का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, जैसा जाएगा 15 रुपीज, तो आपको पता होना चाहिए कि सी आई और एस आई के एक साल का जो इंटरेस्ट है वो तो सेम ही रहता है, तो एक साल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो फर्स्ट ईयर में जो डिफरेंस है वो तो सेम आएगा, सेकेंड साल सेकेंड ईयर में वो चेंज होगा, ठीक है, और सेकेंड में कितना चेंज होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो आप, सी आई का इंटरेस्ट निकालो और एस आई का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, तो एस आई परसेंटेज टोटल परसेंटेज मैंने आपको बताया था आर टी परसेंटेज, तो आर टी मतलब 2 × 5 मतलब 10% और सी आई का परसेंटेज दो साल से मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको ए प्लस बी बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 मतलब 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 10.2%, तो ऑलरेडी आपको डिफरेंस जो है परसेंटेज में आप फाइंड कर लो, कितना परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है 0.25%, तो वैल्यू ऑफ 0.25% इक्वल टू दे रखा 15 रुपीज, क्या क्या पूछ रखा है आपको प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 100%, 15 / 0.25 = 100, यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो 1500, 25 से कैंसिल करोगे 50 6000, ओके, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एस आई परसेंटेज इज 10%, देन यू टू फाइंड आउट सी आई परसेंटेज इट इज 10.25, then difference between CI and SI percentage is equal to 15 rupees. Then the amount, that is principal amount is 100% is equal to 1500 divided by 0.05 into 0.25 into 100. Then this 66,000 is principal. Okay. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हैं, एनी डाउट, अब इसमें सी आई और एस आई के डिफरेंस के डिफरेंस का जो क्वेश्चन आएंगे वो टू ईयर का भी आ सकता है, थ्री ईयर का भी आ सकता है, राइट, तो टू ईयर थ्री ईयर का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि नॉर्मली जो है फॉर्मूले से अप्लाई करते डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो आप,
तो आप फॉर्मूला याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। उसमें फिर सीआई और एसआई में कुछ दो तीन तरह के फॉर्मूले हैं, तो आपको याद करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो कुछ फॉर्मूले मैं बताता हूँ सीआई और एसआई के दोनों डिफरेंस, ठीक है। तो अगर सीआई और एसआई का आपको डिफरेंस निकालना है, तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 0 होगा फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करना है तो सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है तो कितना होगा 0, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लग ही नहीं रहा है, तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पे सेम अमाउंट होगा, ठीक है। तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए वो सेम रहेगा। इसके लिए तो आपको पूछेगा नहीं, इसके लिए पूछेगा सेकेंड 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो 2 ईयर के लिए जो फॉर्मूला होता है सीआई माइनस एसआई का, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आर डिवाइड बाई 100। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर, दैट इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर आपको टी ईयर के लिए निकालना है, दैट इज फॉर्मूला फॉर, बहुत कम पूछता है 3 ईयर के लिए, बट फिर भी अगर पूछ ले तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू टी। बेसिक मेथड पे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला, दोनों जो फॉर्मूले हैं आप याद, पी इंटू ये तो आपके पास सेम है, ठीक। इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, ये फॉर्मूला तो आपको ऐसा वैसा याद करना है। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टी प्लस आर बाई 100, तो ये आपको याद करना है, ठीक। टी प्लस आर बाई 100, यहाँ पे जो आर है, आर इज द रेट इन परसेंटेज, ठीक है। रेट आप यहाँ पे पुट करोगे इन द परसेंटेज, अगर वो 10% दे रखा है यहाँ पर आपको सिर्फ 10 पुट करना है, और यहाँ पे रेटिंग परसेंटेज। एक फॉर्मूला और है फॉर सेकेंड ईयर के लिए, अगर आपके पास 2 साल के लिए अगर आपको सी आई और एस आई का रेशियो फाइंड करना है, एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, तो 200 प्लस आर करते, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना, ठीक है। तो उसने 3 फॉर्मूला जो बताए हैं आपको याद करना है, फॉर सेकेंड ईयर डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर, एंड फॉर 2 ईयर दैट इज रेशियो बिटवीन दैट इज सी आई टू एस आई इक्वल टू 200 प्लस आर बटे 2, ये आप नोट कर लीजिए, या अभी मैं यूज में लूँगा। टाइम हो गया है तो अपन कंटिन्यू कर पाएंगे।